बनाई भी बहुत अच्छी है। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है 3 दिन में तो माहौल बनने लगता है दिल और दिमाग के अंदर, और 3 दिन में ही हमें आपने निकाल दिया, ये मत कीजिए प्लीज़, इसकी अवधि बढ़ाइए, ये हमारे जैसे प्रकृति प्रेमियों की विनती है। तो आप इस स्टेटमेंट से खुद ही समझ जाइए कि कितना आनंद आया होगा। कई बार प्लान बनाया लेकिन किसी न किसी कारण से कभी पोस्टपोन हो जाए, कभी कैंसिल हो जाए। इस बार क्योंकि मैं उत्तराखंड में ही था 40 दिन से, एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो बीच में ब्रेक मिला तो मैंने सोचा यहाँ आएँ, लेकिन फिर वो भी नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा मैं रुकूँगा, शूट कम्प्लीट हो जाए ताकि किसी को मेरे से कोई कमिटमेंट कोई बाकी ना रहे, और उसके बाद मैं कॉर्बेट आऊँगा। आया ढिकाला में रहा, और बहुत ही मेरा क्या है मैं आपको बताऊँ, मैं प्रकृति को एंजॉय करने के लिए जाता हूँ। मैं कभी इस टिपिकल टूरिस्ट वाले लालच से नहीं जाता कि शेर दिखेगा या लायन दिखेगा या लेपर्ड दिखेगा, वो है नहीं, बिकॉज वो शेर है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। तो वो दिख गया, अच्छे से दिख गया, तो वो बोनस है उसके। और ये मैं मौका आप मुझे दे रहे हैं तो मैं ये मौका ले रहा हूँ ये चीज़ बोलने का, शायद लोगों तक पहुँचे और ये एक अच्छी वाइब है जो पहुँच जाए कि नेचर के लिए जाइए ना, गो फॉर द लव ऑफ मदर नेचर, फॉर द ऑक्सीजन, फॉर द विजुअल्स, जो इतनी प्यारी चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी, बाघ या लेपर्ड या लायन एज पर द फॉरेस्ट जो भी है, जहाँ जहाँ पे भी हैं वो तो दिख ही जाएगा, दिखना होगा तो, बट नेचर का आनंद लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं तो इसीलिए आता हूँ। बाकी साइटिंग बहुत ज़बरदस्त रही, शायद यही रिवॉर्ड मिलता है कि अगर सब्र रखो और प्रकृति का आनंद लो तो प्रकृति फिर जो अपनी बेस्ट चीज़ है आपके सामने रख देती है, और ज़्यादा रुकते हो तो रोज़ रोज़ कई बार रख देती है। आने वाली अभी थार नेटफ्लिक्स के लिए, ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि अब उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया, वरना चुप रहना पड़ता है। तो अब तो इट इज़ द PR हैज़ स्टार्टेड, थार आएगी नेटफ्लिक्स पे, फिर एक वाइट गोल्ड नाम की सीरीज़ है वो भी जल्दी बाहर आएगी, फिर एक क्राइम थ्रिलर और है, उसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि मैं भी बोल नहीं सकता वरना आपका ही मजा किरकिरा हो जाएगा। फिर ये फिल्म हमने करी अभी शूट, ये तो ऑफकोर्स 6-8 महीने बाद आएगी, मसूरी बॉयज़ इसका नाम है। इट्स अ नाइस कॉमिक फिल्म विद अ ग्रेट ह्यूमन मैसेज ऑल्सो अबाउट टुगेदरनेस, अबाउट फ्रेंडशिप, उस किस्म की फिल्म है। और इसको लिखा भी है, मतलब इसके डायलॉग भी लिखे हैं क्योंकि मैं लेखक भी हूँ तो लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो दिस इज इट।